स्टूडेंट को बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है, और जो स्टूडेंट इन बातों को समझ लेगा उसके साथ पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है 70% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे वो इतने समय से बच रहे थे। लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि बाकी के 30% स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आखिरी में मुझे जरूर बताएंगे ये वीडियो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट साबित हुआ। एक बात की गारंटी है कि जो पूरा देख लेगा उसके साथ आज से ही एक जादू होने वाला है। तो दोस्त, सबसे पहली बात, हर काम को टालने की आदत, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। पहले तो बड़े लोग इससे ज्यादा परेशान होते थे, लेकिन आजकल 99% स्टूडेंट इस बीमारी का शिकार है। हर काम को टालने की आदत का मतलब ये नहीं कि कल पर टालना, परसों पर टालना, एक हफ्ते बाद को टालना, एक महीने बाद टालना, बल्कि ये समस्या शुरू होती है 5 मिनट से। चलो बैठकर पढ़ लेता हूँ तो 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, अब बिस्तर से उठ जाता हूँ तो 5 मिनट बाद उठ लूंगा, ये काम कर लेता हूँ 5 मिनट बाद कर लूंगा, और ये 5 मिनट धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। और जैसा कि अब्दुल कलाम साहब ने हमेशा से कहा है, पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं और फिर आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। अगर आप इस 5 मिनट पर विजय पा गए ना दोस्त, तो चाहे पढ़ाई हो या कोई काम, जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते। इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ, 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आता है पढ़ाई करने का या कोई काम करने का, तो उसके 5 सेकंड के अंदर आपको वो काम कर देना है, वरना ये दिमाग आपको 100 तरह के बहाने बनाएगा, 100 तरह के एग्जाम्पल देगा कि वो भी तो नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप 5 सेकंड के अंदर अपनी स्टडी टेबल पर किताब खोलकर बैठ जाते हो तो आपकी जीत पक्की है, क्योंकि हर आदत चाहे अच्छी हो या बुरी हो वो बनाने से बनती है। और स्टूडेंट लाइफ में अगर आप देश के काम आना चाहते हो, अपने घर के काम आना चाहते हो, या किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ना है। नंबर 2, टेक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्त, ये आदत जो अपना लेगा ना, यकीन मानो उसकी जिंदगी में उसका कोई भी ड्रीम हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, मैं गारंटी देता हूँ वो जरूर पूरा होगा। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा डीप है। इस पृथ्वी पर सबसे मुश्किल काम है अपने काम पर ध्यान लगाना, और सबसे आसान काम है शिकायत करना। हमसे कई स्टूडेंट इंस्टाग्राम फेसबुक पर जब 1-to-1 बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, हमारे पास किताबें नहीं है, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। तमाम तरह की ऐसी शिकायतें जो असल में देखा जाए तो वो खुद सॉल्व कर सकते थे। जब उनकी बात सुनते हैं, 5 मिनट 10 मिनट उनसे बात करते हैं, तो वो खुद ही अपनी शिकायतों का उत्तर देने लगते हैं। अब एक बात को ध्यान से समझिए, आप खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको आज से ही खुद के हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। चाहे उस काम का परिणाम अच्छा होता है तो जिम्मेदारी मेरी, चाहे उस काम का परिणाम गलत होता है तो भी जिम्मेदारी मेरी। ऐसा एटीट्यूड बनाकर आपको पढ़ाई करनी होगी। जिस दिन ऐसा सोचकर आप काम करने लगोगे, जिस दिन ऐसा सोचकर आप अपनी पढ़ाई करने लगोगे, तो अगले ही क्षण से आप देखना आपके डिसीजन लेने की क्षमता, फोकस करने की पावर अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि अब आपको पता है, परीक्षा में नंबर कम आते हैं तो गलती मेरी, अगर परीक्षा में नंबर अच्छे आते हैं तो जिम्मेदारी मेरी। अब सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू डोंट लव टू गेट द थिंग्स यू लव। अगर पढ़ाई करनी है तो एक बात को आज समझ के चलो कि जो काम तुमको परेशान करता है, जो काम तुमको अच्छा नहीं लगता, अगर वो करोगे तो सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो पढ़ाई करोगे तभी नंबर अच्छे आएंगे। अगर तुमको मेहनत करना पसंद नहीं है तो मेहनत करोगे तो ही सफल हो पाओगे। आप सबने दशरथ मांझी का एग्जाम्पल सुना ही होगा। सैकड़ों किलोमीटर लंबा पहाड़ और कुछ फीट का इंसान एक छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ देता है। क्या वो काम करना उसको पसंद था? क्या बार बार चोट खाना उसको पसंद था? क्या बार बार पत्थरों पर अपने पैरों को छिलवाना और उनमें से खून निकलवाना उसको पसंद था? क्या बाकी लोगों से अपना मजाक उड़वाना उसको पसंद था? क्या पूरे गाँव से बेदखल होना उसको पसंद था? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने वो काम किया और आज इतिहास में उसका नाम हो गया। एक छोटा सा प्रसंग और है उसका। एक बार एक पत्रकार दशरथ मांझी के पास आता है, बड़ा परेशानी में होता है और बोलता है कि सरकार मुझ पर दबाव बनाती है, मेरी आवाज को उठने नहीं देती, मैं कुछ कर नहीं पाता। दशरथ मांझी बड़े सहज भाव से पूछते हैं, खुद का अखबार क्यों नहीं निकाल लेते? तो पत्रकार बोलता है, इतना आसान थोड़ी है। इसके जवाब में दशरथ मांझी जो बोलते हैं, उसने उस पत्रकार को अंदर से हिला के रख दिया, मुझे खुद हिला के रख दिया। अगर वो बात तुमको भी हिला दे तो आज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। वो बड़े सहज भाव से पूछते हैं कि पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है क्या? उस दिन उस दशरथ मांझी ने उस अखबार वाले से पूछा था, आज मैं तुमसे पूछता हूँ,
चैलेंज करता हूँ, क्या पढ़ाई करना पहाड़ तोड़ने से ज्यादा कठिन है? क्या पढ़ाई करना पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? क्या पढ़ाई करना पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका जवाब आज कमेंट में लिख कर जाना। और जिस समय तुम डिस्ट्रैक्ट हो, जब तुम्हारा पढ़ाई करने में मन ना लगे ना, तो अपने खुद के लिखे हुए कमेंट को आकर देख लेना। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा दिमाग नहीं भटक सकता। हर हिंदुस्तानी स्टूडेंट को सशक्त करने के लिए इस वीडियो को शेयर करो जो ये सोच के बैठा है कल से पढ़ूंगा। क्योंकि याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, आपके इस सफर में कोई साथ है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडिमेनिया।